नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार सरकार ने आज बिहार अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन करके बिहार से बाहर के अभ्यर्थियों को भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल होने की अनुमति प्रदान कर दी है। यानी कि अब बिहार से बाहर के लोग भी बीपीएससी शिक्षक बहाली में शामिल हो सकेंगे और बिहार में शिक्षक बन सकेंगे। ये बिहार के लाखों युवाओं के साथ नाइंसाफी है, बिहार के लाखों स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है, ये बिहार के लाखों युवाओं के लिए काला संशोधन है। एक अच्छे कानून में आज बिहार सरकार ने काला संशोधन किया है। बिहार से बाहर कई राज्य ऐसे हैं जहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बिहार के स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते। 16 राज्यों में स्थानीय नीति लागू है, जहां कई राज्यों में या तो बिहार के स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर सकते, या अगर कुछ राज्यों में फॉर्म भर भी सकते हैं तो अंतिम रूप से उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह की चयन प्रक्रिया बनाई गई है कि बिहार के अभ्यर्थियों का सिलेक्शन ही नहीं हो सकता। क्षेत्रीयता को वहां बढ़ावा दिया गया है, इस कारण बिहार के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ आप बिहार में देखिए, सचिवालय सहायक हो, बीपीएससी हो, दरोगा बहाली हो, सब में बिहार से बाहर के लोग शामिल होते हैं और जॉब भी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। टॉपर भी कई बार बीपीएससी के टॉपर बिहार से बाहर के हुए हैं, सचिवालय सहायक के टॉपर बिहार से बाहर के हुए हैं। लेकिन बिहार के लोग, हम लोग बिहार से बाहर कई राज्यों में फॉर्म भी नहीं भर सकते। जब अध्यापक नियुक्ति नियमावली आई थी, 2023 नियमावली जो आई है, उस समय नियमावली में कहा गया कि बिहार के स्थानीय निवासी, यानी बिहार के अस्थाई रूप से जो मूल निवासी हैं, वही इस बहाली में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि नीतीश तेजस्वी सरकार ने अचानक से ये संशोधन कर दिया कि बिहार से बाहर के लोग भी शिक्षक बहाली में शामिल हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश तेजस्वी सरकार से कि आखिर ऐसी कौन सी राजनीतिक परिस्थिति है, ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है आपकी कि आप बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय करने पे तुले हुए हैं और बिहार के लाखों युवाओं के साथ अन्याय करके आज आपने संशोधन कर दिया। इस काला संशोधन को हम लोग नहीं मानते हैं और नीतीश तेजस्वी सरकार से हम मांग करते हैं कि इस काला संशोधन को आप वापस लीजिए। आप जब बिहार से बाहर के लोग फॉर्म भर सकते हैं तो 1-5 में जो 50% महिला आरक्षण लागू है, तो क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि जो 50% महिला आरक्षण 1-5 में लागू है, तो अब सामान्य कैटेगरी में क्या बिहार से बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? 35% महिला आरक्षण जो आप देते हैं, उसमें दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, सचिवालय सहायक, बीपीएससी, सब में बिहार से बाहर की महिलाओं को भी सामान्य कैटेगरी में 35% महिला आरक्षण का लाभ दिया जाता है। तो अब 9th, 10th, 11th, 12th में जो 35% महिला आरक्षण का लाभ मिल रहा है और मिलेगा इस बहाली में, तो उसमें सामान्य कैटेगरी में क्या होगा, बिहार से बाहर की महिलाओं को भी महिला आरक्षण का लाभ अब मिलेगा। पुरुष तो आएंगे ही, लेकिन 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को भी दिया जाएगा। और 50% जो महिला आरक्षण 1-5 में है, तो क्या इसमें भी सरकार बिहार से बाहर की महिलाओं को आरक्षण देगी, जैसा कि 35% महिला आरक्षण का लाभ बीपीएससी, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी, सचिवालय सहायक, अन्य बहालियों में दिया जा रहा है? तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिहार के अभ्यर्थी और महिला अभ्यर्थी क्या करे, माने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार बनाकर रखना चाहती है क्या सरकार? अपनी राजनीतिक वाहवाही के लिए बाहर तो आप वाहवाही ले लीजिएगा नीतीश कुमार जी, लेकिन बिहार में क्या होगा? बिहार के लाखों करोड़ों युवा आपके इस संशोधन से नाराज है, आक्रोशित हैं। आप इस संशोधन को वापस लीजिए, ये काला संशोधन है। जब हम बाहर फॉर्म नहीं भर सकते तो फिर आप बाहर के लोगों को भी आरक्षण दे रहे हैं 35% महिला आरक्षण का लाभ? बिहार का कोई नेता इस पे क्यों नहीं बोल रहा है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो? बोलना चाहिए ना, 35% महिला आरक्षण का लाभ बिहार से बाहर की महिलाओं को क्यों दिया जा रहा है? और अब जब शिक्षक बहाली में भी आपने बिहार से बाहर के लोगों को अनुमति दे दिया, तो अब वही होगा, पुरुष तो आएंगे ही, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके साथ तो नाइंसाफी आप कर ही रहे हैं और महिला अभ्यर्थियों के साथ आप और नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि 35% महिला आरक्षण का लाभ सामान्य कैटेगरी में आप बिहार से बाहर की महिलाओं को भी मिल जाएगा। 1-5 में 50% जो महिला आरक्षण है, उसमें सरकार क्या करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन 35% जो महिला आरक्षण है उसमें बिहार से बाहर के लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है, दरोगा, सिपाही एवं बीपीएससी बहाली में, सचिवालय सहायक में। तो क्या बिहार की महिला अभ्यर्थी जो हैं, बिहार की बेटियां जो हैं, अब सिर्फ इसलिए रह गई कि वो चूल्हा चौका करे, बर्तन मांजे, वो शिक्षक नहीं बन सकती, दरोगा नहीं बन सकती, बीपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर सकती, अधिकारी नहीं बन सकती, अब बिहार से बाहर की महिलाओं को अब आरक्षण दे रहे हैं?
हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि बिहार के लाखों छात्र छात्राओं के साथ आपने जो अन्याय किया है इसको आप वापस लीजिए, इस काला संशोधन को वापस लीजिए, और जो पहले से था इस नियमावली में कि बिहार के मूल निवासी ही शिक्षक बहाली में शामिल होंगे तो उसी को फिर से आप लागू कीजिए, और आज के संशोधन को आप वापस लीजिए, नहीं तो बिहार के लाखों युवा इस चीज़ को अब स्वीकार नहीं करेंगे। आपको हर हाल में इस संशोधन को वापस लेना होगा, नहीं तो बिहार के युवा सड़क पर उतर जाएंगे। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष, हम आप सभी युवाओं से ये आग्रह कर रहे हैं कि इस नीति का आप विरोध कीजिए। कब तक चुप रहिएगा? हम महिला अभ्यर्थियों से भी बार बार कहते रहे थे, बीपीएससी सचिवालय सहायक, बीएसएससी दरोगा बहाली में, कि 35% महिला आरक्षण का लाभ सामान्य कैटेगरी में जो बिहार से बाहर की महिलाओं को मिल रहा है वो गलत हो रहा है। और आज तो शिक्षक बहाली में भी सरकार ने संशोधन कर दिया और अब बिहार से बाहर के लोग इसमें फॉर्म भरेंगे, तो ये बहुत अन्याय है। हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से कहना चाहते हैं, हम सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहते हैं, सभी बुद्धिजीवियों से, शिक्षकगणों से कहना चाहते हैं कि इस नीति का विरोध कीजिए। और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी, हम उनसे बात करेंगे और जल्द ही पटना में अगर संभव होगा, अगर शिक्षक अभ्यर्थी चाहेंगे तो पटना में हम एक मीटिंग बुलाएंगे, एक बैठक करेंगे, और उस बैठक में जो तय होगा उसके अनुसार आगे हम लोग काम करेंगे। आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी सड़क पे करेंगे। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें आंदोलन करने के लिए मजबूर ना करे सरकार, और सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि इस संशोधन को वापस लीजिए, और जो इस नियमावली में पहले से था कि बिहार के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं उसी को लागू कीजिए।